लेकिन बिहार को ना कटवा देता है यार, बोल दे कुछ, बोल देता है कुछ। सच्चाई दिखाइए मैंने तेरी हराम जादे। जय श्री राम सभी को। तो गाइस, जैसे कि कल की सर्दी पड़ रही थी ना, उससे 1% तो ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है आज भी, ये देख लो तुम। और ये अभी का वक्त बता दो तुम, अभी का, अभी जो मौसम देख के तुम वक्त बता दो कमेंट में, ये क्या ही वक्त हो रहा होगा। लेकिन फिर भी इस सर्दी में केवल हमें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है सिर्फ ये। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये देखो, ताप लेनी चाहिए, हाथ तापो। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं बचा सकती आग के सिवाय, आग के सिवाय तुम्हें इस सर्दी में और कुछ भी नहीं बचा सकता। अभी अभी ना मेरी नज़र ऐसे ऐसे मकान के पेड़ों के ऊपर गई, मैं समझ नहीं पा रहा वो पेड़ ऊपर बढ़ेंगे कैसे। ये देखो, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, ये पेड़ देख रहे हो तुम, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये पेड़ बढ़ेंगे कैसे यार। ये देखो, ऊपर तो ये इसके छत आ गई, अब ये बढ़ेंगे कैसे ये बताओ मेरे को तुम। गाइस, हमारे एक आदमी मोबाइल से इतना एडिक्ट हो चुका है, इतना एडिक्ट हो चुका है कि वो खाना खाते समय भी उसको मोबाइल चाहिए, हैं, नहाते समय भी उसको मोबाइल चाहिए, यहाँ तक कि ये देखो मोबाइल चला रहा है, ये देखो खाना खा रहा है, समझ रहे हो, ये देखो खाना खा रहा है, ठीक है। इसको हर समय मोबाइल चाहिए, ये मान लो। और कुछ कुछ तो ऐसी जगह बता भी नहीं सकता मैं जहाँ इसको वहाँ पे मोबाइल चाहिए, देख लो। बोले वो देखने वाले चूतिया थोड़ी है साले, तेरे हाथ में मोबाइल दिख रहा है और तू कहेगा पता खाना थोड़ी कर, ये लिखो। मैं तुमको बताता हूँ, नीचे कमेंट में लिखना मोहनलाल डोबाल चूतिया, बस नीचे क्या लिखना कमेंट में, मोहनलाल डोबाल चूतिया। ये देखो यहाँ पे, ये सच्चाई कौन बता रहा, मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा है सच्चाई, किसने बताई, नहीं सच्चाई किसने बताई ये बताओ तो। वो सुनेंगे ही नहीं तेरी बात, वो क्यों सुनेंगे, वो सुनेंगे ही नहीं, वो सुनेंगे मेरी बात, देख रहा है तू। मोहनलाल डोवाल नीचे # चूतिया आदमी, ठीक है, सच्चाई दिखाइए मैंने तेरी हराम जादे। यूट्यूब पे तो तुम्हें पता है सोने का क्या क्या बता देते हैं, फिर यूट्यूब की मानो क्या बात है। तेरे बारे में बोल देगा, तेरे को जिंदा बना देगा, फिर से मार देगा वो, बोला तो मर गया वो, तू जिंदा रहेगा तेरे। यूट्यूब पे तो यू मान ले, क्या से क्या बना दे तेरे को, एक कौवे पे बिठा के उड़ा दे यूट्यूब पे तू, हैं, उड़ जाएगा क्या तू कौवे बैठ के, हैं, बता, नहीं देखता क्या, बोले होता है ऐसे मान ले लग जाए जब, तो और क्या है, क्या क्या हो जाए आदमी को विश्वास छोड़ देगा तेरे। नहीं लगा सकता सोने को गटर में लगा सकता है, कोई ऐसे मूर्ख है ऐसा, बता। ये सब कहने की है कि भाई ऐसे गटर है सोने का, वो है लक्ष्मी जी का वास होता है, उसको गटर के अंदर लगाओ तुम, मैं तो बुद्धि हाथ तुम्हारी, बताओ तो बताओ मेरे को। सोचा तो करो बोलने से पहले कि क्या बोल रहे हैं अपन, सोचते नहीं हो और बोल देते हो, बताओ। भाई पूरा मंदिर सोने का है, उसके अंदर सोने की मूर्तियां, तो हम मानते, फिर भी मानते हैं, लेटरी में सोना लगाई नमटे वो मूर्ख है सारा, बता। अगर अरे लगाएगा ना उसको तो पहले को 10 साल का जेल मिल जाएगा उसको, एक कितना कितना किलो होगा ऐसा मालूम है, गड़ा की कितना मालूम है, 15-20 किलो सोना बाथरूम में, तो फिर भी चलो भाई नहाने के वो नल वल वगैरह लगा सकते हैं, के सोने का वो थोड़ी बनाएंगे यार। अरे गटर लगाएगा तो मैं कितना खर्चा है उसमें लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, खर्चा और चाहे तो कोई बात नहीं, फिर टैक्स लगेगा। 10-10 सोना कौन रखेगा जर में, नहीं नहीं रख सकते हैं, दुबई में खूब सोना है भाई, दुबई में ऐसी बात नहीं, सोना 10 किलो सोना मामूली बात है, 10 किलो सोना, अरे वहाँ मामूली बात है, दुबई में मामूली बात है सोना, तो खैर वहाँ तो मामूली बात है, वहाँ का नहीं कह रहे अपन, वहाँ तो खैर मामूली बात है, पर वो भी लेटरिन के अंदर नहीं लगा सकते, समझ रहा है तू बात, आगे का सोना का जाएगा क्या गला। और बता, मैं तो सोने में आगे ले जाएगा बाथरूम के अंदर, तो फिर भी मान जाएगा नल लगा होगा ऐसे, हाँ डिस्मन उसमें लगा, हाँ गटरी सोने का है, थारी मारे थारी पे बजे थारी इंडिया की मार। यार तू भी लेकिन बिहार को ना कटवा देता है यार, बोल दे कुछ, बोल देता है कुछ, बताओ। तू भी यार बिहार को बदनाम कर देता है हर बात, थोड़ा सोच समझ के बोला कर, किसी ने कुछ बोलता नहीं हुआ। हम सोचते हैं भाई छोड़ दे रहने देते। गाइस देखो, बड़ी सर्दी में हमारे पास आता है कौन, काका, वो भी क्या लेने, केवल सिगरेट लेने, बताओ। सर्दी में एकमात्र सिगरेट ही तो है जो सर्दी से बचा सकती है, क्यों काका, सही कह रहे हो आप, आधा करोड़ मिल गया क्या, ग्राम विकास पंचायत मंत्री
ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री बना दिया ओ? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, आज बोल दिया है, मैंने नहीं देखा, पता नहीं आ जाता वो फेसबुक पे, पता नहीं अब तक तो यूं लाइन से बन जाती है। अरे टीवी में क्या है, वो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा ना यार, इस वजह से है, पता नहीं अभी देखूंगा अभी। वो तो फेसबुक पे आ जाएगा यूं धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसको ये बना दिया, इसको यूं बना दिया, कल पेपर में आ जाएगा। गृह मंत्री किसको बनाया? गृह मंत्री वित्त मंत्री उसको दिया। किसको? दिया कुमारी को, वित्त मंत्री दिया कुमारी को। हाँ। दिया कुमारी को 5-6 पद मिले। हाँ? क्या 6 पद? क्या हुआ था? 8 उसको है, किसलाल को 6 उसको है। हाँ। बाकी 3-4। अरे इनको तो हलवा दिया है, कुछ नहीं दिया इनको, कटोरी में यूं दे दिया बस। हाँ। तुम बस ये ले और ये कर लो काम। हाँ। अरे यार अब देखो वो उनकी सरकार बनी है, वो देखो किस हिसाब से चलाते हैं बीजेपी वाले, किस हिसाब से चलाते हैं भाई, सरकार उनकी बनी है, अब देखते हैं किस हिसाब से सरकार चलाते हैं। देखो मैं ना तुम्हें सच्चाई बात बताऊं क्या भाई साहब, सर्दी ऐसी भयंकर पड़ रही है कि हालत ख़राब कर दी इसने पूरी। मैं जस्ट अभी बत्ती लेके मंदिर तक आया था, जिसमें मेरी हालत इतनी भयंकर हो गई जिसकी कह नहीं सकते। अभी क्या है, मैं चप्पल पहन के आऊँ क्योंकि बार बार जूते खोलने पड़ते हैं इस वजह से, और सर्दी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं भी नहीं जा पाऊँगा आज तो, मैं घर पर जाके घुसना पड़ेगा वापस, क्योंकि सर्दी के भाई साहब ये तुम्हारे उधर भी इतनी भयंकर पड़ रही होगी मेरे को जहाँ तक पता है। भाई आज तुम्हारे भाई भी देखो कांच के सामने लोग बना रहा है, देख रहे हो ऐसे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हैं कालू जी, कैसे बनाते हैं। ये हमारी कटिंग के पीछे का राज है इनका, कालू जी का। और ये आने वाले टाइम के मिलीनियर बैठे हुए हैं आपके सामने देखो। ये भाई पहले क्या है, ये लोग डालते थे तो मेरे को समझ नहीं आता था कैसे बनाते हैं ये लोग, अब मुझे समझ में आया ऐसे बनाते हैं लोग ऐसे।